हेलो दोस्तों, दोस्तों, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को एक नया वीडियो में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अभी है ना दोस्तों, सुबह हो चुका है दोस्तों, और खाना वाना सब अनुष्का मम्मी बना ली है जल्दी उठ के। और दोस्तों, यहाँ पर बाबू दोस्तों गोदी हो गया है दोस्तों, और अनुष्का अभी नहीं है। अनुष्का ना दोस्तों अपने नानी के घर में टीवी देखने के लिए चली गई है, इसलिए 2 दिन से लाइन नहीं आया था। हाँ, तो इसलिए दोस्तों अनुष्का टीवी देखने का बहुत मन करता है, इसलिए चली गई है टीवी देखने। सुबह से गई है, अभी तक टीवी देखते हैं अभी तक। तो दोस्तों आज का ना दोस्तों अभी हम लोग तो दोस्तों आज ना दोस्तों हम लोग मछली बना रहे हैं, वो भी दोस्तों गांव के देसी तरीके से। दोस्तों चोखा बनाएंगे मछली का, वो दोस्तों सखुआ का पत्ता बनाएंगे दोस्तों, और बहुत ही अच्छा बनता है वो भी। आग जला कर नहीं बनाएंगे ना? आग का दोस्तों आग में नहीं पकाएंगे दोस्तों, लेकिन पत्ता में पकाएंगे। और सखुआ का पत्ता बनते हैं दोस्तों अच्छा बनता है, इसलिए दूसरा पत्ता बनाते हैं ना दोस्तों, पकाते हैं तो उसका थोड़ा पत्ता का जैसा जो सुगंध होता है ना दोस्तों, वो पकड़ लेता है। और ये सखुआ पत्ता सखुआ पत्ता में दोस्तों ऐसा नहीं होता है, और अच्छा पक जाता है दोस्तों। तो चलिए अभी जा रहे हैं इसको दोस्तों बनाने के लिए। ये रहा दोस्तों मछली, ये रहा दोस्तों मछली, ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बस ज़्यादा नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा मछली है। इधर देख सकते हो, 4-5 मछली है ना। तो इसी को दोस्तों चोखा बनाएंगे अभी। और ये रहा दोस्तों सखुआ का पत्ता भी है, हम लोग ना घर में नहीं था दोस्तों तो मांग के लाए हैं। और ये रहा भिंजा दिए हैं दोस्तों, भिंजाने से ना जल्दी नहीं जलेगा इसलिए, और अच्छा से पक जाएगा। तो अभी दोस्तों इसको अभी अनुष्का की मम्मी ना, ये रहा दोस्तों ये सीने वाला है दोस्तों, इससे हम लोग सीएंगे अभी। हाँ, रुको रुको। और बाबू दोस्तों सुबह से बहुत ही रो रहा है दोस्तों। आओ आओ गुदी, आओ आओ गुदी, आओ बेटा गुदी, आओ। हेलो, चुप 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 चुप। तो बाबू दोस्तों गोदी हो गया, हेलो कर दो बेटा, हेलो। तो ये रहा दोस्तों सखुआ का पत्ता, किस तरह से बना रही है मैंने सर मम्मी। तो हम इस तरह से इसको रख देंगे दोस्तों। ये रहा दोस्तों मछली, एकदम प्योर देसी मछली, छोटा छोटा दोस्तों। रसम लगाओ उधर, रसम देखो दोस्तों इसमें ना दोस्तों अभी क्या क्या डाल रहे हैं दोस्तों, आप लोग को दिखा रहे हैं। और तो ये रहा दोस्तों लहसुन हम डाल रहे हैं, लहसुन दोस्तों ये भी दोस्तों अच्छा से पक जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर अनुष्का की मम्मी क्या क्या डालती है, अभी थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं, ये अंदर नमक घुस जाएगा, बस इतना ही चीज़ है। और ये रहा दोस्तों लहसुन और मछली का मिक्स हो गया है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा बनेगा चोखा। और दोस्तों आप लोग इस तरह से कभी चोखा बना खाएं कि नहीं, कमेंट में बताइएगा जरूर दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे यहाँ गांव में दोस्तों जब कम मछली होता है ना दोस्तों, थोड़ा बहुत होता है, तो इसी तरह से आग में पका के खा लेते हैं खाना। तीर है दोस्तों, थोड़ा सा हम अदरक डाल दे रहे हैं इसमें, अदरक भी डाल देंगे दोस्तों तो स्वाद और बढ़ जाएगा। बस बस हो जाएगा, छोटा सा हम टमाटर डाल दे रहे हैं दोस्तों, इसमें टमाटर भी डाल देते हैं छोटा सा, ज्यादा नहीं। बस इतना ही चीज डालेंगे। तो दोस्तों अभी जितना था दोस्तों लगाना था दोस्तों लगा लिए हैं, अब इसको ना दोस्तों सीना बाकी है, अभी सी रही है अभी यहाँ पर दोस्तों सी रही है, इस तरह से करके हम सीते हैं। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पर सी रहे, इस तरह मोड़ के। और एक पत्ता दे दे दोस्तों, ताकि बाहर ला जल जाएगा तो अंदर ला बचा रहेगा, इसलिए। तो दोस्तों आज का मौसम चेक कीजिए दोस्तों, काफी मस्त मौसम है, एक देख सकते हो दोस्तों कितना मस्त मौसम है आज का। तो दोस्तों हम
लकड़ी का अंगूर बोलते हैं इसको, हम बाहर निकाल लिए हैं, इसमें अंदर से हम इसको इस तरह से हम टिप लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आग निकाल ली है हम इसको मम्मी चूल्हा से, तो इसी में आग में दोस्तों पकाएंगे इसको अभी। तो आग दोस्तों खाना पक गया था ना पहले जल्दी में, और उसका जो आग बचा हुआ है दोस्तों तो अच्छा आग बन गया है, तो उसी में हम लोग ढक देंगे ना इसको। हाँ 10-15 मिनट दोस्तों इसको इसे लगा के छोड़ देंगे इसमें डाल के, तो बहुत अच्छा बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए डालिए इसको फटाफट। तो इस तरह से हम रख दे रहे हैं दोस्तों, हम ऐसे कर देंगे जो अंदर अंदर साफ ही रहेगा, बाहर से ऐसे दिख रहे है। ये हो गया है, अभी इसको डाल दिए हैं और इसको अब पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। इसको पकाएंगे अच्छा से, दोनों साइड से पकाएंगे इसको, तो पक जाएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों पूरा बना लेते हैं इसको, पकने देते हैं दोस्तों, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। फिर है दोस्तों हम लोग का मछली बन के रेडी हो गया है ना इसका। हाँ, मछली वाला खाएगी ना इसका, ये वाला बन गया है। वाओ, बन के रेडी है, पूरा पक गया है अच्छा से दोस्तों, गीला गीला पूरा नहीं पका है जैसे दिख रहा है, मगर अंदर से पका हुआ है। ऐसे गुड़ देंगे तो गुड़ आ जाएगा दोस्तों इस तरह। तो हम लोग का दोस्तों मछली ना पूरा अच्छा से पक गया है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कितना मस्त बन गया है, और लहसुन सब टमाटर सब दोस्तों बहुत अच्छा पक गया है। अब दोस्तों इसमें ना दोस्तों क्या क्या डालेंगे, तेल डालेंगे दोस्तों, मिर्चा डालेंगे बस, और हो जाएगा दो चीज़ बस डालेंगे, और दोस्तों बन जाएगा हम लोग का देसी मछली का चोखा। तीर दोस्तों हम लोग तीर निकाल लिए, मिर्चा काट लिया है दोस्तों, कितना अच्छा पक गया है दोस्तों, ये देख सकते हो। तो ये रहा दोस्तों क्या ही मस्त चोखा बन रहा है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी चोखा बन रहा है। बाबू दोस्तों यहाँ आ गया फिर से ये पगला। तो दोस्तों अभी तेल डाल रही है इसमें, सरसों का तेल डाल रहे हैं थोड़ा सा। चोखा मछली खाएगा ना, मछली चोखा हाँ खाएगी ना। तो दोस्तों हम लोग का चोखा बन गया दोस्तों, अभी चलते हैं दोस्तों खाना खाने के लिए, जा रहे हैं दोस्तों खाना निकालने के लिए। क्या ही मस्त चोखा बना है दोस्तों, हम लोग टेस्ट किए बहुत ही अच्छा बना है, और काटा सब था ना दोस्तों सारा काटा निकाल दिए। टेस्ट करके बता दो कैसे बना है। अरे अनुष्का अभी टेस्ट कर रही है। वाओ, बता दो कैसे लगा अनुष्का, टेस्टी बना है ठीक। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं खाना खाने के लिए, और दोस्तों टाइम हो जा रहा है खाना खाने के लिए, तो चलते हैं दोस्तों खाने अब खाने के लिए दोस्तों। तो बने रहिए ब्लॉग में, और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों खाने में, मिलते हैं हम लोग से। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज का खाना शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों मछली का चोखा, और ये रहा सोयाबीन और आलू का सब्जी। तो दोस्तों अनुष्का नहीं खा रही, तीखा लगेगा बोल के। थोड़ा सा खाओ अनुष्का, नहीं खाएगी थोड़ा सा अनुष्का। तो चलिए दोस्तों आज का खाना शुरू करते हैं। इधर बाबू स्टार्ट कर दिया है, बता दो बाबू कैसे टेस्ट बना है। टेस्टी बना है अनुष्का, तो मछली चोखा बहुत ही अच्छा दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बना है, अच्छा लग रहा है उसका खाओ।
तो दोस्तों मछली का चोखा ना दोस्तों बहुत ही टेस्टी बना था। और दोस्तों हम पहले खाना खा लिया अनुष्का सबसे सबसे पहले, सब पीछे रह गई यार अनुष्का ना। तो चलिए दोस्तों इन लोगों खाने रहते आराम से, फिर मिलने का लगा वीडियो में। अनुष्का बाय करो, बाय।